हुजूर, खाना लगा दिया। बहुत खूब। सरकार पहले आप। हजरत पहले आप। हुजूर आप तो शर्मिंदा फरमा रहे हैं, पहले आप। वल्ला पहले आप। अरे मेरे सरकार पहले आप। मगर आप चलिए तो सही। क़िबला पहले आप, पहले आप में खाना साफ हो जाएगा, चलिए। है तशरीफ रखिए। बाबा क्या खुशबू है खाने की। हाजी खुशबू तो समझे, देखे कि खाना कैसा है। भाई मुझे तो ऊंची दुकान फीका पकवान नजर आ रहा है। नहीं जी कुछ नहीं कहा हुजूर। साहेबो इससे पहले कि हम खाना शुरू करें मैं ये फरमा देना, मेरा मतलब है अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ कि ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है। जी किस खुशी में? आज हमारे छोटे बहरे, मेरा मतलब है हमारे छोटे सरकार मनमोहन बाबू का आज जन्मदिन है। इस वक्त इसी खुशी में वो अपने दोस्तों को ताजमहल होटल में पार्टी दे रहे हैं। आप सबके साहब भी तो वही है ना? जी हाँ वही है। वो पार्टी कम से कम सुबह तक खत्म होने का नाम नहीं लेगी। रहे बड़े से, वो तो यूरोप की हवा खा रहे हैं, इसलिए घर वाले घर नहीं, खाने की चिंता नहीं। खाना मेरा और घर अपना समझ कर खाइए। छोटे सरकार की गाड़ी, छोटे सरकार की गाड़ी। कोई बात नहीं, बैठो बैठो, मैं समझ गया। मालूम होता है छोटे साहब ने ड्राइवर को वापस भेज दिया। वाह मजा आ गया, खाना तो हो गया, अब सैर भी खूब होगी। वाह नीली छतरी वाले तेरा जवाब नहीं, आपकी पार्टी एकदम फ्लॉप फ्लॉप, एकदम फ्लॉप। छोटे साहब आ गए, जल्दी भागो या अपना खाना भी साथ ले जाओ। लानत है ऐसी पार्टी पर, सारा मजा किरकिरा कर दिया कमबख्त ने। बहुत बेआबरू होकर तेरे टेबल से हम उठे। हुजूर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? किसे मालूम था गरीबू कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा सर। क्या खत्म हो गया हुजूर? आज आप कुछ उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं, कोई ऐसी ही बात हुई। क्या बात हो गई हुजूर? हटाओ तुम्हें खामखा क्यों परेशान करो? इसमें परेशानी की क्या बात है हुजूर, आप सुनाएंगे तो मेरा गम भी हल्का हो जाएगा। अजीब और गरीब जगह पर वो लड़की तुम्हें मिलेगी। तुम सब में से कोई भी नहीं हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको मिस्टर मनमोहन एक गीत सुनाएंगे। थोड़ी देर बाद मुझे एक दोस्त का इंतजार है, न जाने वो अभी तक क्यों नहीं आया है। मैं जरा उसे देख के आता हूं। दीपक। मनमोहन भाई जन्मदिन मुबारक। आप आइए। नहीं यार, एक बात तो बड़ी शान से निकाले जा सकती। क्या मतलब? फटे पुराने कपड़े देखकर किसी ने घुसने ही नहीं थे। क्या कह रहे हो? इडियट्स। आप नहीं यार, क्या फायदा, तुम्हारी दुनिया और है, मेरी दुनिया और। बकवास मत करो, चलो। देखो मनमोहन, मैं वहां जाने से इसलिए नहीं कतराता कि मेरी बेइज्जती हुई,
बल्कि इसलिए कि मैं वहाँ ऐसे ही लगूंगा जैसे मखमल में टाट का पेवर। फिर मिले। ठहरो यार, मुझे तुमसे एक पुरानी माफी भी मांगनी है। कैसी बात? तुम्हें याद है चंद रोज पहले तुमने मुझे भाभी की बीमारी के बारे में लिखा था और इलाज के लिए कुछ उपाय भी मांगे थे। हुआ यह कि जिस रोज तुम्हारी चिट्ठी मिली मैं दोस्तों के साथ कश्मीर चला गया और बात दिमाग से निकल गई। आई एम सॉरी। कैसी भाभी आप? अब भाभी कैसी है दीपक? तुम्हारी भाभी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। जो होना था सो हो गया मनमोहन। तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहिए कपूर साहब, आजकल आप नजर ही नहीं आते। जी नजर कैसे आए, आजकल तो दिन रात मनमोहन साहब के भी घूमते रहते हैं। वो किस लिए? एक बिजनेस का चक्कर चला रहा हूँ और रुपये के लिए मनमोहन साहब को। हाँ सर। गुड लक। गुड लक जी। क्यों शीला, जब तक मनमोहन साहब यहाँ थे हमसे आंखें नहीं मिलाई? दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, मुझे अफसोस है, अभी अभी दो एक ऐसी बातें हो गई हैं कि मुझे इस महफिल से उठना पड़ रहा है। क्यों, क्या हुआ? बातें कुछ ऐसी हैं कि मैं कह ना सकूंगा और शायद आप सुन भी ना सकेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं। सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम, यहाँ प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम, यहाँ प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होंठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला। कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सब से जुदा। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने
गम पैदा सब से जुदा। इस महफिल से उठा दिल ना बहलेगा ये मतवाला, कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल, कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। दुनिया जो कुछ ही देर पहले अपनी थी, देखते देखते पराई हो गई, धुएं के गुबार में खो गई। यूं मालूम हुआ ख्वाब था जो कुछ भी देखा, जो सुना अफसाना था। बूए गुल ना लाए दिल, दूधे चिरागे महफिल, जो तेरी बज्म से निकला सब परेशान निकला। जो एक कदम भी आगे बढ़ाया था फेंक दो चाकू। मैं कहता हूं आगे मत आओ, नहीं तुम बेवकूफ न बनो, चाकू फेंक दो। कहां हो तुम, कहां जा रहे हो? मैं जी बताओ भाई, तो अभी पुलिस को टेलीफोन करके बोला था। नहीं नहीं नहीं, और बात करी ऐसा जो कहना कह दीजिए, मुझे नौकरों से पिटवा डालिए, पुलिस के हवाले न कीजिए, नहीं तो मेरी बहन को पता चल जाएगा और जाने उस पर क्या बीतेगी। बहन पर क्या बीतेगी? हाँ, मेरी बड़ी बहन, जिसका कोई नहीं मेरे सिवाय इस दुनिया में, जिसकी सारी उम्मीदें मुझी पे आ लगी, जो नहीं जानती कि मैं इतना गिर चुका हूं। वही तो, शक्ल से तुम ऐसे मालूम नहीं होते। जो आदमी आदि मुजरिम ना हो उसका चाकू वाला हाथ उठ तो सकता है, लेकिन किसी के सीने में उतर नहीं सकता। मैं जानता हूं तुम पेशेवर चोर नहीं हो। जी नहीं, मैं एक भले घर का बेटा हूं। माता पिता के चल देने के बाद हम लोग गरीब हो गए और गरीबी ने मुझे मजबूर कर दिया, इसी ने मुझे बुरी सोबत में भी डाला, और आज गैंग के सरदार ने मेरी ये ड्यूटी लगा दी। लेकिन गरीब इंसान ठीक तरह से सोच भी तो नहीं सकता। इन आलीशान बंगलों में रहने वाले आप लोग क्या जाने गरीबी क्या होती है। ठीक है।
मैं नहीं जानता गरीबी क्या होती है। सुनो, मुझ पर एक एहसान करोगे? जी, मैं? हाँ तुम। देखो, मैं तुम्हारे जुर्म किसी को पता नहीं लगने दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी मेरा एक राज छुपा के रख सको। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह है कि वो चीज जिसे लोग गरीबी कहते हैं, मैं अपनी नजरों से देखना चाहता हूं। जहां तुम रहते हो वहां जाकर मैं खुद भी रहना चाहता हूं। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी बात से इनकार करोगे तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? जी मंजूर है। तुम हिलाओ हाथ। किसी से कहोगे तो नहीं? जी नहीं, मैं अभी आया। ये है हमारी दुनिया। मेरी बहन आज चाचा जी से मिलने पूना गई है। आज रात तुम मेरे यहां ठहर जाओ, कल तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। अब निकल जाएगा। अब तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं और तू मेरे लिए मर चुकी। तो बदार, फिर तूने कभी यहां कदम रखा? कुछ नहीं। तुम्हारे पिताजी इतने गुस्से में क्यों है? इतनी रात का तुम कहां जा रही हो? यह किस्मत ले गई। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल से छोड़ दो। तारा, आपने अपनी बेटी को इस तरह घर से निकाल दिया है, कहीं वो कुछ करना बैठे? तुम कौन होते हो मेरे घरेलू मामले में दखल देने वाले? ये है हम गरीबों की दुनिया की एक झलक। आओ। ये रहा हमारा महल। खूब है, तो आराम फरमाइए। हाँ, अब रेशम और मखमल के नरम बिस्तर भूल जाइए मनमोहन साहब। आपका नाम मनमोहन है? था, मगर अब कुछ और रखना पड़ेगा। मनमोहन साहब तो उसी बंगले में रह गए। मनमोहन कृष्ण श्याम। श्याम कैसा नाम रहेगा? बहुत अच्छा। ये तस्वीर किसकी है? मेरी बहन श्यामा की। अच्छा, गुड नाइट श्याम। गुड नाइट। श्याम साहब, श्याम साहब, मालूम होता है रात भर मच्छरों और खटमलों से जंग लड़ते रहे और तड़के हथियार फेंक कर सो गए। अच्छा, आप आराम फरमाइए, मैं आपके ठहरने का इंतजाम करके आता हूं। जनाब अभी तक सो रहे हैं? मालूम होता है लाड साहब रात को फिर अपने बदमाश दोस्तों के साथ घूमते रहे।
मैं घर पर नहीं थी तो मौका मिल गया। उठो अब, अरे उठो ना। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या खाने के लाई हूँ, उठो ना। उठो तो नहीं उठते, अच्छा कोई बात नहीं, अभी मजा चखाती हूँ। खैर शायद किसी और के कमरे में आ गए। कमरा आप ही का है, ये देखिए आपकी तस्वीर, सिर्फ मैं ही। मैं समझी मेरा भाई सोया हुआ है। आप अपने भैया को हमेशा इसी तरह जगाया करती हूँ। वाह दीदी वाह, खूब खातिर की हमारे मेहमान की। देखिए आप तो समझ गए होंगे ना कि ये मेरी बहन है श्यामा जी, बहुत अच्छी तरह। और हाँ दीदी, ये मेरे दोस्त है मिस्टर मिस्टर श्याम। समझ गई। क्या समझ गई आप? यही कि जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे दोस्त। नहीं दीदी, ये हमारी मंडली के नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज है। और क्या चीज है ये वक्त आने पर पता चलेगा। आओ श्याम चलो। लेकिन अरे हाँ दीदी, इनके लिए अंदर से कुछ सूखा कपड़ा ले आओ ना। जैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, वैसे मेरी पुरानी जिंदगी धुल गई। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मौसी यही हूँ जिनके बारे में अभी तुमसे बात करके गया। जी नमस्ते। नमस्ते, तुम अच्छी तरह जानते हो इसे? हाँ हाँ मौसी, बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ। क्या काम करता है ये? काम ढूंढ रहा हूँ। ना बाबा, हमारे पास जगह नहीं। पहले भी तुम्हारे जैसा एक बाबू हमारे 50 रुपए मारकर भाग गया। मौसी जी, इतनी बेदबारी है तो एडवांस ले लीजिए। इतने रुपए किसी की पॉकेट तो नहीं मारी? जी अभी तक तो नहीं। तुम्हारे गीले कपड़े देखकर मैं समझी पुलिस के डर के मारे किसी गंदे नाले में से भाग कर आया हूँ। आओ इधर आ। साथ में जल्दी कर, जल्दी करना यार। बोर 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 बोर। बेगम बेगम कितना का? ये देख आठानी, ये देख। राम चंदू क्या खबर है? रात को एक बोट माल लेकर आइए, शराब सिगरेट रेडियो घड़ियां। घड़ियां? अरे यार दो किधर है वो? अरे यार 2-4 रुपये वाली लेडी वॉच है अपने डार्लिंग के लिए। अरे यार बॉस ने तुम सबको फौरन अड्डे पे बुलाया है। अच्छा, अरे बाकी तू भी चलेगा? नहीं यार, मुझे मेरी डार्लिंग का इंतजार है, वो अभी आती होगी। क्यों चंदू, क्या बात है? बाकी आज बहुत बुरा वाकया देखा है। क्या? सुरेश, तुम क्या कह रहे हो बाकी? कहाँ चला गया सुदेश? तुमको पूछने वाला है कहाँ चला गया सुदेश? तुम अपना काम करो ना, चलते फिरते ना मेरा। कहाँ गया सुदेश? धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्या मतलब? पहले क्या रोज पकवान खाते थे? नखरा तो ऐसे करते हो जैसे किसी नवाब के बेटे। अरे चलता करो ना इसे। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं तो खाओ फिर।
हाँ। आओ श्यामा। मौसी, सुदेश अभी तक नहीं आया, मैं उसकी तलाश में जाती हूँ, तुम जरा घर का ख्याल रखना। आप कहाँ जाएंगे, मैं उसे ढूंढ के लाता, बस मैं गया और आया। अच्छा है बेचारा, तुम्हारी इससे पहचान है क्या? थोड़ी थोड़ी। मिस्टर, सुबह तुमने सुदेश से क्या कहा था? कहाँ चला गया? वो अभी तक नहीं लौटा है। उसकी बहन बहुत परेशान है। तो मैं क्या करूं? मैं तेरे बाप का नौकर हूं, जो सब तुझे बताया करूं। सुबह तुझे बता दिया ना, मुझे नहीं मालूम। खूब जमाई यार। कहाँ के दादा हो? चौपाटी का। चौपाटी का? पहले क्यों नहीं बताया यार? तू तो हमारी क्लास का घोड़ा है। आओ बता दो। कल रात कुछ लड़की सीढ़ियों में मिली थी, उसने खुदकुशी कर ली है। गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। किसी बदमाश ने उसे शादी का वादा करके उसे फंसा लिया, उसकी इज्जत लूटी और फिर शादी से इनकार कर दिया। तू है या नहीं ये मैं नहीं जानता, मुझे किसी ने प्रार्थना नहीं सिखाई। शायद वीरों को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज मेरा दिल भर आया है। इस गरीबों की दुनिया में जो कुछ मैंने देखा है उसने मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया है। लोग हमेशा तेरी रहमतों का जिक्र करते हैं, अगर ये सच है तो मुझे हिम्मत दे कि तुम्हारी रहमतों का जरिया बनूं, जहां भूल है वहां माफी का पैगाम दूं, जहां निराशा है वहां आशा लाऊं, जहां गम के साए हैं वहां खुशी का नूर लाऊं, और जहां बेचैनी है वहां शांति ले आऊं। क्या बताऊं सेठ जी, अभी तक मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लगी। काम लग जाए मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। ये बहाने सुन सुनकर तो मैं तंग आ चुका हूं, अब ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं। सेठ जी, कहां से देंगे किराया? अब तो घर में बेचने के लिए भी कुछ नहीं रहा। तो मैं क्या करूं? किसी से कर्ज लो, भीख मांगो। सेठ जी चुप रहो जी, आज शाम तक कम से कम मुझे 3 महीने का किराया मिलना चाहिए, वरना सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बेईमान, घर में रुपया होते हुए भी तेरे से इनकार करते हो? लक्ष्मी को पैरों में फेंकते हैं। भगवान, तुम्हारी लीला अपरंपार है। ए मिस्टर, माल खत्म हो रहा है क्या? अगर कड़की है तो मुझे पहले से बता दे, मैं किसी और किराएदार को रख लूं। नहीं मौसी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो और क्या, काम तो कुछ करता नहीं, तेरे बाप की जागीर है क्या? मौसी की मौसी, काम तो करना चाहता हूँ लेकिन क्या काम करूँ? आइसक्रीम 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 वाली है। आइसक्रीम भैया, हाँ। पैसे वाली है, आइसक्रीम है। दो पैसे वाली आइसक्रीम नहीं है, दो पैसे का भाग जाते, गति मत कर। हाँ। तो आने वाली आइसक्रीम है। हाँ हाँ, ला निकाल पैसे। बापू ने बोला पैसा का लेना, तो अपने बाबू से कहना आइसक्रीम कर लेना, भाग जाते, गति मत कर। आइसक्रीम आइसक्रीम वाली आइसक्रीम।
लो मौसी, मैंने फैसला कर लिया है यहाँ से जाने का, नहीं काम करने का। अब तुम्हें किराए की फिक्र नहीं रहेगी, कल से हम आइसक्रीम बेचा करेंगे। ये आइसक्रीम किसके लिए लिए जा रहे हो? कुछ ना पूछो यार, अपनी डार्लिंग के लिए जा रहा हूँ। शट अप, खबरदार जो मुझे डार्लिंग कहा। लो आइसक्रीम, लो चलते फिरते नजर आओ। इंसल्ट, इंसल्ट, ये मेरी प्यार की इंसल्ट है। मैं और तुमसे प्यार? बेचारे से इतनी बेरुखी क्यों? क्या बताऊं दोस्त, ये मेम साहब है ना, एक ऑर्डिनरी ऑफिस में ऑर्डिनरी टाइप इसे, और ख्वाब महलों की देखती है। हमेशा नजर ऊपर होती है, हमेशा नजर ऊपर। ऊपर भी कुछ नहीं है मेम साहब। तुम्हें क्या मालूम? सच, मैं एक लखपति मनमोहन साहब को जानता हूं, दौलत उन्हें तो कोई खुशी नहीं दे सकी। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबान। प्यार तुझे देगा वो मालिक, वो प्यारे जबान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। होंठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। होंठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबान। प्यार तुझे देगा वो मालिक, वो प्यारे जबां मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबां। क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, पैसे बिना ही ले जा प्यारे। दूर से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, पैसे बिना ही ले जा प्यारे। आना दो आना नहीं है तो उदास कैसी मेरी जान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबान। प्यार तुझे देगा वो मालिक, वो प्यारे जबान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबान। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा।
माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माया है माया ये दुनिया की दास्तां, जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबां, प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, जबा मैं तेरी मीठी करवा यहाँ, जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबां, जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबां। अबे ओ आइसक्रीम वाले भाई, आपकी आइसक्रीम खत्म हो गई। हाँ आइसक्रीम खत्म हो गई लेकिन दोस्ती तो खत्म नहीं हुई। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले जहां देखते। मौसी भूख के मारे बुरा हाल है, जल्दी से खाना तैयार करो। मेहनत करोगे तो भूख लगेगी ही, क्या कमाए हैं आज? 14 आने। बस बस, अपना धंधा ही ऐसा है, बिक्री ज्यादा आमद निकम, 40 आइसक्रीमें बेची 14 आने कमाए, बाकी उधार। बाकी उधार, लेकिन ऐसा उधार जो नगद से भी अच्छा है। क्यों पसंद है? हाँ क्या बात है मौसी? ये तो कहती है पसंद करने का सवाल ही नहीं, शादी करना ही नहीं चाहती। चलो पत्ता ही कट गया, और अगर कराई तो? हाँ भी बोलो। कहती है शादी करूंगी तो किसी अच्छे आदमी से करूंगी, आइसक्रीम बेचने वाले से नहीं। तो इसकी शादी जरूर आइसक्रीम बेचने वाले के साथ ही होगी, किस्मत का लिखा किसी को क्या मालूम? अजी किस्मत का लिखा हमें मालूम है, अभी बता देता हूँ। आइए पंडित जी आइए, जरा इधर आओ तो। चलो पंडित जी देखो इनके हाथ में शादी की लकीर है कि नहीं। मुझे शादी ही नहीं करना है तो मैं हाथ को दिखाऊं? अरे दिखाओ ना, बड़ी किस्मत से हाथ आए हैं आज के, देखो तो। अरे बापा बापा, ये तो एक लखपति का हाथ है। बताऊं ये करोड़पति का हाथ है, कौन है जनाब? हमारे यहाँ भाड़ेदार है। अरे सब तो इसका हाथ नहीं हो सकता। क्या मतलब? देखो इस हाथ वाले के बंगले नौकर चाकर और मोटरें होनी चाहिए। हाँ अरे क्या बक रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या भक्ति कराए? देखो जी अगर मेरा ज्योतिष कोई झूठा साबित कर दे तो ये 55 साल का फेंक दूंगा। मैं तारे के साथ कहता हूँ ये करोड़पति का हाथ है। मैं लखपति करोड़पति हूँ ज्योतिषी साहब। हाँ हाँ, और ये भी बता देता हूँ तुम्हारी शादी एक गरीब लड़की से होने वाली है। ये बात तो ठीक कही तुमने, कब होगी शादी? हल्का हल्का प्यार तो चल रहा है, एक तरफ से या दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। सुदेश ये शाम कैसे आदमी है? अच्छा आदमी है दीदी, बहुत अच्छा आदमी है। तुमने पहले तो कभी बात नहीं की इसकी, कौन है ये, कहाँ से आया है, माँ बाप कौन है इसके, कहाँ रहते हैं? अरे क्या तोड़ दिया? लो एक आध प्लेट थी वो भी तोड़ दी। चलो अच्छा हुआ टूट गई। हम कौन से साहब लोग हैं जो प्लेटों में खाएंगे? श्यामा बेटे रामू बहुत परेशान है, सोता ही नहीं, कहता है मेरी दीदी को ला दो,
कहां से लाऊं उसकी दीदी? मैं जो हूं उसकी दीदी। चलिए मैं रामू को सुलाती हूँ, आइए। कुछ खा के तो जाओ दीदी। मुझे भूख नहीं, आइए चाचा जी। कितनी अच्छी है तुम्हारी बहन, बच्चे का दुख सुनते खाना पीना भूल गई। अब कौन खाएगा ये सब कुछ? हम किस लिए, अभी खत्म किए देते। ये मैं करता हूँ, तुम नीचे जाके सिगरेट ले आओ। अब 555 लाओ या गोल्ड फ्लेक? चार मीनार। चार मीनार? सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं। मैं मेहमान हूं इस घर में। मैं इस इलाके का मालिक हूं। इलाके के मालिक? आप कोई रईस, नवाब या जागीरदार हैं? मैं यहां का बादशाह। आप ही वो रणबीर दादा हैं? बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जो सुनी है कम सुनी है। स्वदेश कहाँ है? ये रहा बात। तुम आज काम पर क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें खास जगह भेजना था। मैं थोड़ी देर में जाता हूँ बस। नहीं, अभी इसी वक्त। अच्छा बस। ठहरो स्वदेश। सुदेश तुम्हारे अड्डे पे नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो मेरा दोस्त है और मैं उसे तुम्हारे रास्ते पे नहीं चलने दूंगा। तुम कौन होते हो मेरे मामलों में दखल देने वाले? ये मेरी रोटी का सवाल है और जो मुझसे मेरी रोटी छीनता है मैं उसकी जिंदगी छीन लेता हूं। ये मुझे आज मालूम हुआ कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में नहीं, रणबीर दादा के हाथ में है। इसमें क्या शक है? तुम इस पे हाथ नहीं उठा सकते, ये हमारा मेहमान है। ये आपने बहुत बड़ी भूल की जो रणबीर से उलझ बैठे। इसके लिए किसी का खून कर देना बाएं हाथ का खेल है। मैं इन दादा लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। इनकी बातें शेर की और दिल बकरी का होता है। जो इनसे दब गया सो दब गया। तुम हौसला रखो सुदेश, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खाने को तुम दोगे? हाँ मैं दूंगा। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें आज ही इसी वक्त एक बहुत अच्छी नौकरी दे सकता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं नौकरी दिला सकता हूँ। एक दफ्तर में मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। मालिक से? नहीं, हेड चपरासी से। मालिक उसकी कोई बात नहीं टालता है और चपरासी मेरी की बात नहीं टालता। और मैं तुम्हें नौकरी दिला देगा। भैया सुना तुमने, भगवान अवतार नहीं लिया करते। इनके इशारे से कोई इंसान ही आशा की किरण बनकर आ जाया करता है। आपको देखकर मैं सोच रही हूँ कि हम गरीबों की जिंदगी में कोई सहारा तो मिला। सहारा किसको मिला ये कौन कह सकता है। अच्छा तो दीदी मैं चला नौकरी पे, आज पहला दिन है, कहीं देर ना हो जाए। जरा ठहरो। अब क्या कसर बाकी रह गई? ओहो तुम तो यूं कर रही हो दीदी जैसे मैं किसी बड़े संग्राम पे जा रहा हूँ। हम गरीबों के लिए दो रोटी कमाना ही बड़ा संग्राम है भैया। तो जा रहा है मेरा दूल्हा। अच्छा हुआ इस चंडाल चौपड़े से छूट गया। सौगंध ले कि फिर इनके चक्कर में नहीं आएगा। सौगंध एक बार छूट 100 बार सौगंध ली, पर रणबीर के सामने आते ही जाने से क्या हो जाता है। तुझे इस गुड़िया से बहन पे तरस नहीं आता? अरे कौन माँ बाप बैठे हैं इसके, कल को तुझे ही तो बाप बनकर इसकी डोली विदा करनी पड़ेगी बेटे। हाँ मौसी। तो फिर सौगंध ले जल को हाथ में लेकर ले। अरे वाह क्यूटी को भी पर लग गए। कहाँ जा रहा है छैला बनकर? नौकरी। नौकरी
तूने कहा नौकरी, मैं समझा टोकरी। नौकरी करने और टोकरी ढोने में फर्क ही क्या है? तू क्या मुंह देख रहा है? जा काम पर। अरे जा काम पर चल। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर तू आएगा मेरे ही पास। भगवान के लिए मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे भाई का रास्ता छोड़ दो। एक रास्ता छोड़ सकता हूँ, बशर्ते कि दूसरा खुल जाए मुझ पर। क्या मतलब? मतलब तुम खूब समझती हो। ये कहो कि समझना नहीं चाहती। ये मत भूलो श्यामा कि तुम मेरे हाथ में उस चिड़िया की तरह, जिसे ना कोई जिंदा कह सकता है ना मुर्दा। तुम्हें शायद उस लड़के की शह हो जो नीचे वाली खोली में आकर ठहरा है। बहुत मुंह न लगो उसकी, कह देता नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माँ, श्यामा जी भी अभी तक नहीं आई। वो आ गई बेटा। क्या है मम्मी? दीदी मुझे नींद नहीं आती, कोई कहानी सुनाओ। क्या सुनाओ? कुछ भी। कुछ भी? तो सुनो। एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक भोली भाली लड़की रहा करती थी। लड़की की जिंदगी उस जंगल की तरह वीरान थी। एक दिन चंदा के रथ में सवार होकर एक बहुत सुंदर राजकुमार वहां आया और आकर सो गया। फिर क्या हुआ? फिर बरसात आ गई, राजकुमार जाग उठा। उसने उस भोली भाली लड़की को देखा और कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। इतने में जबरदस्त आंधी आई और आंधी के साथ एक राक्षस आ गया। राक्षस? अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? आगे कहानी मुझे नहीं। बोलो ना दीदी। कहा ना, आगे कहानी मुझे नहीं आती। आगे मुझे आती है। राक्षस ने लड़की से कहा, मेरे साथ चलो। राजकुमार ने कहा, ऐसा नहीं होगा। और दोनों में खूब लड़ाई हुई। और राक्षस भागा तो नहीं, लेकिन हाथ मिल गया। राजकुमार ने लड़की से कहा, उन पहाड़ियों के पीछे एक सुनहरी वादी है, जिसमें कल की आने वाली दुनिया जन्म ले रही है। वही हमारी मंजिल है। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बनके वहां जाएंगे। वहां दुख दर्द नहीं, भूख नहीं, गरीबी नहीं, ऊंच नीच नहीं। और एक दिन हम सब वहां पहुंच जाएंगे। ये सब झूठ है। वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन जरूर आएगा और जल्द आएगा। तो क्या मैं भी जा सकूंगी उस सुनहरी दुनिया में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्यामा दीदी भी? श्यामा दीदी। तुम चली क्यों आई श्यामा? कहानी अच्छी नहीं लगी। कहानी तो अच्छी लगी, लेकिन लेकिन क्या? कहो ना, क्या बात है? औरत बहुत कमजोर होती है श्याम। अपनी जिंदगी किसी के हवाले करने से पहले कदम कदम पर उसका दिल डरता है। और फिर मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि तुम कौन हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो नहीं जो अपने आप को जाहिर करते हो।
श्यामा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे डर है कि सच्चाई जान लेने के बाद तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तो क्या तुम भी मेरे भाई की तरह चोर या? मैं जो हूँ अगर तुम्हें बता दूँ तो शायद तुम मुझे उससे भी बुरा समझने लगोगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना बताओ, मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। तुम जो कुछ भी हो मेरे लिए। तो फिर आइसक्रीम बेचने वाला चलेगा? तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में।
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तेरे तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में। म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह बढ़ जाने की वजह से सब किरायेदारों को खबर दी जाती है कि पहली जनवरी से सिंगल रूम का किराया 5 रुपए और डबल रूम का किराया 10 रुपए बढ़ जाएगा। ये तो जुल्म है मौसी, ये तो गरीबों का खून चूसते हैं खून। हम लोग तो इतना किराया नहीं दे सकते। इतना किराया नहीं दे सकते तो कमरा खाली कर दो। कमरा खाली कर दे तो बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाए? तो फिर किराया बढ़ाओ। किराया कहाँ से बढ़ा सकते? तो टैक्स तुम्हारा बाप देगा। गाली मत दो सर जी, नहीं तो आइंदा किसी बेबस का हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। इतनी गंदी चाल बाबा आदम के जमाने की, न मुरम्मत करवाते हो न सफेदियां करवाते हो, हर 6 महीने के बाद किराया बढ़ा देते हो। कान खोल कर सुन लो, अगर किराया बढ़ाया तो कोई किरायेदार किराया नहीं देगा। सुन लिया सेठ जी? बसो बात, घबरा नहीं सेठ, वसूली का काम रणबीर दादा के हवाले कर दो, तो देखता हूँ कौन माई का लाल किराया नहीं देता है। ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। अरे है क्या? हेलो, यस जस्ट अ मिनट प्लीज। हेलो, कौन? मैनेजर साहब, मैं मनमोहन बोल रहा हूँ, आज ही महाबलेश्वर से आया। देखिए सूरी में एक चाल है जिसका नाम गोपाल निवास है, उसे किसी भी कीमत पर खरीद लीजिए और हाँ उसके किराए आधे कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आकर बहुत बिगड़ेंगे, ये तो बहुत घाटे का सौदा है। पिताजी ने बहुत रुपया कमाया है, कभी कभी घाटा भी होना चाहिए ताकि नजर न लग जाए। और देखिए हवाई लेक वाले बंगले में चौकीदार की जरूरत है ना? जी हाँ जी जी जी, लेकिन इतनी तनख्वाह? लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। चलो मासी जल्दी करो। क्या बात है मौसी? तेरी मासी और तेरी मासी की मासी दोनों यहाँ से जा रही है, चलो तुम भी तैयारी करो, प्रलय आने वाली है। क्यों, क्या हुआ? अरे इस चाल के मालिक बनिए ने किराया आधे कर दिए है। ऐसी बात तो बंबई में आज तक कभी सुनी न थी, जरूर कुछ होने वाला है। अच्छा, नमस्ते बहन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ पगली? अब तो किराए आधे हो गए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मर्द को एक बंगले में 150 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। 150 रुपए महीने की? सच? हाँ, किसने दी? कोई देवता ही होगा। अच्छा बहन, हे भगवान, आज तो सब बातें उल्टी ही हो रही है। मौसी मौसी, सुना है ये किराया बनी ने नहीं घटाया, किसी और आदमी ने ये चाल खरीद ली है। कोई बड़ा ही मूर्ख है जिसने ये पहले टूटी फूटी चाल खरीद ली और फिर किराए कम कर दिए। हाँ मौसी की मौसी परले दर्जे का बेवकूफ है। बेवकूफ ही सही, लेकिन दिल का अच्छा है। मैं तो आज भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उसे सदा सुखी रखे, मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसके पैर छू लूं। दोस्तों, किराए कम हो जाने की खुशी में मैंने आप लोगों की तफरी के लिए एक खूबसूरत नाच और गाना तैयार किया है, मुझे उम्मीद है आप उसे पसंद करेंगे। Thank you.
क्या कसम खुदा, मेरा दिल यही कहीं खो गया। मेरा दिल यही कहीं खो गया। दे चुके दिल तुझे हम सनम अल्ला कसम। सचमुच यही कहीं चला गया मेरा अरमानो भरा। सचमुच यही कहीं चला गया मेरा अरमानो भरा। अभी था मेरी तरह भोला भाला दिल दीवाना मेरा। अभी था मेरी तरह भोला भाला दिल दीवाना मेरा। ओ दीवाना मस्ताना कह क्या है, है क्या हो गया। मेरी बेकरारी इंतजार नहीं कर सकती। ऐसे भी क्या बेकरारी है, दरवाजा खोलो तो बताओ। बोलिए ना। वो सुनने की चीज नहीं देखने की चीज है। बस वो आ रहा है। अरे सुदेश तुम्हारी नौकरी क्या लगी, तुम तो ईद के चांद बन गए। आज शाम को अड्डे पे आओ ना, बॉस की सालगिरह है। नहीं भाई मुझे तो तुम माफ ही कर दो। अरे यार रुक भी जाओ, एक चाय का दौर तो हो जाए। मुझे जरा जल्दी घर पहुंचना है। घर जाकर क्यों रंग में भंग डालते? क्या मतलब? ये लो, इसके घर में प्यार का नाटक खेला जा रहा है और इसे खबर तक नहीं। बेवकूफ अंधे, जानता है तेरा दोस्त श्याम और तेरी बहन श्यामा। बस हट पाले। मासी क्या कहे, छोड़ दे मेरा हाथ। हमारा कुत्ता हम तक उड़ाता है। बेटे घर जाकर देख,
जो आंख मिचोली तेरे घर में खेली जा रही है, अगर यही हालत रही ना तो तेरी बहन का वही हशर होगा जो तारा का हुआ। क्या है? ये मेरी जबान है, यानी कि जो मैं नहीं कह सकता हूं वो ये कहेगी। मतलब? मेरी निशानी, प्यार की निशानी से पहलू श्यामा। क्यों? कोई किसी को निशानी क्यों देता है? मैं क्या चला? तुम इसे पहलू में समझा दूंगा, पहलू श्यामा। लाओ मैं ठीक कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। हाय मैं मत। देखो देखो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? बदमाश, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हें धोखा हुआ है सुदेश, आप तुम्हारी नजरों में हमारे दिलों में नहीं। मैं अंधा नहीं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। क्या देखा है? मुझे इस बात से इनकार नहीं कि मैं श्यामा को चाहता हूं, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने हमेशा इसे प्यार की नजरों से देखा है, वासना की नजरों से नहीं। ये सब बकवास है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने नीच हो तो तुम्हें कभी यहां नहीं लाता। सुदेश, तुम इन पर नहीं मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं? मुझे किसी पर भरोसा नहीं। जिसे दोस्त समझा था वो तगापाज निकला, जिस बहन को देवी समझा बरदार। जो एक लफ्ज भी आगे कहा तो कहूंगा, जरूर कहूंगा। तुमने दोस्त बनकर मेरे खानदान की इज्जत पर हाथ डाला। खामोश। मैं खूब जानता हूं तुम दोनों के आपस में क्या ताल्लुक है। सुदेश, तुम चले जाओ यहां से। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं दीदी, मैं खुद ही जा रहा हूं। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि मेरा अब रणबीर दादा के सिवा है इस दुनिया में और कोई नहीं, कोई नहीं। कि एक दिन ऐसा ही होगा। छोटे सपने देखने से क्या फायदा? सपनों के बगैर भी जिंदगी किस काम की इंसान क्या करे? इससे पहले के लोग हम पे उंगलियां उठाए, हमें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा करना ही पड़ेगा, मेरी खातिर, मेरी इज्जत की खातिर। घबराओ नहीं श्यामा, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी इज्जत के लिए मैं अपना प्यार भी कुर्बान कर दूंगा। अभी इसे पहने रखो। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे लिए अब सिवाय जुदाई के और कोई चारा नहीं है, उस दिन तुम मेरी ये निशानी उतार देना। मैं समझूंगा कि हमारे प्यार की कहानी खत्म हो गई। देखो श्यामा से कह दो फिक्र ना करे, मैं अभी जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? रणबीर दादा के अड्डे पर सुदेश बुला ले। अरे नहीं नहीं, वहां ना जाओ, वहां तुम्हारे जान का खतरा है। रणबीर दादा को तुम नहीं जानते। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, आज वो भी मुझे जान जाएगा। क्यों मरे हुए को मार रही हूँ मैं साहब? मान भी जाओ। क्या मान जाओ, जाओ जाओ हवा खाओ। मान भी जाओ।
छोड़ो मेरा हाथ। अरे मीन साहब जरा सुनो, छोड़ दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तुमसे जरूरी काम है। ओहो, क्या काम है, जल्दी बोलो। रणवीर दादा का ठिकाना कहाँ है? ले, मुझे तो इसमें अपना ठिकाना मालूम नहीं, तो रणवीर दादा का ठिकाना मैं क्या जानू। छोड़ दो मुझे, तुम्हें बताना ही होगा। मुझे सुदेश कुमार से लाना है, मैं नहीं चाहता उसकी जिंदगी खराब। सुदेश? हाँ सुदेश, आओ मेरे साथ। यही मेरा मतलब है। अब मैं अपने हाथ से तुम्हारी खाल उतारूंगा। लगा भगवान रोज रोज मुराद मांगने से तो नहीं देता,
लेकिन कभी कभी मांगने से जरूर दे देता है। कहाँ है वो बदजात? कौन? तुम्हारा चाहिता शाम नीचे होगा, मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस खून खराबे पे क्यों तुले हुए हो? क्या लेना है तुम्हें? मुझे उससे बदला लेना है, उस तोहीन का, उस रकावत का जो मेरे उसके बीच चल रही है, जिसकी वजह तुम हो। तुम? मैं? हाँ तुम, तुमने उसे मुंह लगाया है। तुम्हारी शैन उसके हौसले आसमान पर पहुंचाए हैं। भगवान की कसम उसका टुकड़े का टुकड़ा। तुम कह रहे हो ना ये सब मेरे कारण है, तो फिर इसमें उस बेचारे का क्या दोष? जो कहना है तुम मुझे कह लो, पर उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ने से क्या होता है? हर आजाद का क्या एक बार? नहीं नहीं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तो आज से शाम के साथ मेलजोल बंद कर दो, कौन मंजूर है? मुझे मालूम था तुम न कर सकोगी, तुम उस कमीने को दिल से न निकाल सकोगी। ये जो ढोंग रचाया था रोने धोने का, ये चाल थी मुझे अपने इरादे से रोकने की। है जा बोले। नहीं 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 नहीं, मैं वादा करती हूँ आज से मेरा शाम के साथ कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, श्यामा ये क्या बात ही नहीं की मुझसे? पूछा तक नहीं कि कल रात रणबीर दादा और तुम्हारे राजकुमार के दरमियान क्या गुजरी, कैसे मैं उनके नाच और गाने के प्रोग्राम में शामिल हुआ, कैसे सुदेश को वहां से उठा लाया? तुम जानोगे तो नाच करोगे मुझ पर। श्यामा मौन व्रत धारण कर लिया क्या? श्यामा तो क्या कहानी खत्म हो गई? जा रे
श्यामा से जुदा होने का अफसोस सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, बल्कि इसलिए भी कि हमारा मिलाप दो दिलों का मिलाप ही नहीं था, अमीरी और गरीबी का भी मिलाप था। आज श्यामा काम पर नहीं आई। आई थी मगर चली गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये मत समझना श्यामा कि मैं अपना वचन तोड़ के तुमसे मिलने चला आ रहा हूं। मैं तो यूं ही अपने ख्यालों में खोया चला जा रहा था कि सामने से तुम आ गई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए। अच्छा हुआ मुलाकात हो गई, मैं कब से तुम्हें मिलना चाहती थी। अमानत लौटाने के लिए तुम्हारी निशानी मेरे पास रही, ये मेरे किस्मत में नहीं था, लेकिन मैं इसे लेकर क्या करूंगा। एक ना एक दिन किसी खुशनसीब लड़की से शादी तो करोगे। मेरी आरजू है कि तुम ये हार उसे पहना देना। क्या तुम सचमुच समझती हो कि मैं किसी और लड़के से शादी कर सकता हूं? श्यामा, अगर मैंने सपनों में भी तुम्हारे सिवा किसी और को दुल्हन के रूप में देखा हो तो मुझ पर दुनिया की तमाम खुशियां हराम हो जाए। ऐसा ना कहो श्याम, अगर तुमने कभी मुझे सच्चे दिल से चाहा है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं जब कभी जिसे भी अपनी दुल्हन चुनूं उसे यह हाथ पहना दूं, तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन रणवीर, जब प्यार किया तो तब ना किया, मालूम होता है तुम्हारी किस्मत में सिर्फ आइसक्रीम बेचने वाले ने कहा। तुम्हारे साहब कहीं बाहर गए हैं और उनकी गैर हाजिरी में तुम मोटर में कुछ छर मार रहे हो। देखो एक दो घंटे मुझे भी सैर कर लेने दो, वरना तुम्हारे साहब से शिकायत कर दूंगा। अरे हमारे साहब से आप यानी तुम क्या शिकायत करोगे? उनका आजकल ठिकाना ही कहाँ है, वो तो आजकल किसी लड़की के चक्कर में है। अच्छा हाँ, खैर मैं अपनी तरफ से आपको यानी तुमको गाड़ी में सैर करने की इजाजत देता हूँ।
चलो तुम गाड़ी की सैर करें, तुम भी क्या याद करोगे जिस रईस से पाला पड़ा था। हा? ये ड्राइवर अपना यार है, बड़ा पुराना यार है। अबे यार गाड़ी अपनी ही समझो। फिर एक बार कहो कुछ ज्यादा से कहो। सुनो जी साजना मुझे तो दिल से प्यार है। नहीं नहीं जी हाँ जी हाँ। फिर एक बार कहो कुछ ज्यादा से कहो। एक बार कहो। अरे दीपक साहब बाजी। कैसी बाजी? मोहब्बत की। अरे कितना जरा हिसाब तो लगाइए, 20 रुपए में मेरी और श्यामा की शादी हो सकती है? मंडप शहनाई बैंड बाजा सेरा घोड़ा। नींद में डूबा सारा नगर। ऐसे मैं खुद को आज कहूँ क्या मेरी बहार कहो। फिर एक बार कहो ज्यादा से कहो। हार गए बाजी। बाजी हारी नहीं बॉस, जीत ली। क्या बकता है बे? सच कहता हूँ बॉस, बाजी जीत ली। बात क्या है? एकदम प्राइवेट है बॉस। तुम सो रहे थे या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं था जब ये सुना हुआ? क्या तुम ख्वाबे भी कभी सोच सकते हो कि मैं इस गंदी चाल को खरीदूंगा? मैं क्या करता सेठ जी, मैंने तो बहुतेरा टालने की कोशिश की, लेकिन छोटे सरकार ने टेलीफोन पे कहा कि ये मेरा हुक्म है और तुम मान गए। और मैं करता क्या? अरे कोई चिकन कोई चाल चल देते, कोई अकल के नाखून से अपनी खोपड़ी खुद जाते। सेठ जी मैंने चाल भी चली लेकिन ये चाल खरीदनी ही पड़ी। गरीबू जी। सरकार जानता है छोटे साहब कहाँ है? तो सरकार आपके जाने के बाद वो महाबलेश्वर चले गए थे, वहां से वापस आ गए थोड़े दिनों के बाद, फिर भूलकर भलेश्वर, मेरा मतलब है महाबलेश्वर से। क्या सरकार वो गेट आउट हो गए? आपने मुझे कहा सॉरी सॉरी। फिर आ गया? सरकार मैं नहीं आया, एक आदमी आया है आपसे मिलने। आने दो। नमस्ते सेठ। नमस्ते। मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। हम अकेले में बात करने का आदि नहीं, जो कहना है कहो, नहीं रास्ता पकड़ो। अच्छी बात। मैं तो आपके बेटे श्याम के बारे में कुछ कहने आया था। श्याम मेरे बेटे का नाम नहीं, आजकल उसका यही नाम है। सुनो तुम्हारा उससे क्या वास्ता? वास्ता है तभी तो आया, लेकिन आप ठहरे पड़े सेठ, इतना भी मुंह से ना निकला कि बैठो सिगरेट बीड़ी ही पी लो।
अब बात हुई ना। गोरी चली पिया के देश जे, गोरी चली पिया के देश जे, गोरी चली पिया के देश। बड़ा भगवान है श्याम, पिछले जन्म में कोई मोती दान करके आया होगा, इसलिए तेरे जैसी बहू मिल रही है उसे। अच्छा मैं अब चलती हूँ, वो आता ही होगा। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। ये भी जानता हूँ इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो। जी, मगर मैं ये कहने आया हूँ, तुमने शाम के बारे में जो फैसला किया है गलत है। अपना पति बनाने का जो चुनाव किया है गलत है, शुरू से लेकर आखिर तक सब गलत है। क्या मतलब? हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करने जा रहे हैं, आप बीच में कौन है? मैं कौन होता तो तुम्हारा पता पाने के लिए इन गलियों की खाक नहीं छानता, गंदगी और बदबू से पटी हुई इन चारों पर सर पटकने नहीं आता, इस उम्र में तीसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। जिसे तुम शादी कर रही हो मैं उसका पिता। उनके पिता? हाँ, और वो मेरा बेटा है जिसे तुम्हारा कोई मेल नहीं। कहाँ वो करोड़ों की जायदाद का वारिस और कहाँ तुम, जिन्हें उसकी जी में क्या आई जो ये स्वांग भरकर तुम लोगों को बिछा कर रहने लगा। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, सब झूठ है। 16 आने सच है, जब चाहो तुम इसका सबूत मिल सकता है। हाँ मगर मैं, मुझे क्या पता कि वो करोड़ों की जायदाद के मालिक है। मैंने उनसे प्यार किया जब तुम्हें जानते भी नथी नसी बुझे। आप उन्हीं के पिता नहीं, मेरे भी पिता है। मुझे अपने यहाँ के किसी भी कोने में जगह दे देंगे तो मैं इसे अपने सौभाग्य समझूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे बेटे की तरक्की के रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती, उसे गले का जेवर बनने के बजाय पांव की बेड़ी नहीं बन सकती। बेड़ी तो उस वक्त बनूंगी पिताजी, जब मेरी कोई मांग होगी। मेरी कोई मांग नहीं, कोई मोल नहीं मेरा। इसके लिए सिंदूर की एक चुटकी बहुत है, मोल है तो यही, आपके जूतों में रोटी का एक टुकड़ा। तो इसका मतलब यह है कि तुम किसी भी कीमत पर मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ोगी? अब वो चाहे तो मुझे दुख काट दे, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे मन पे जो बीत रही है बेटी उसे मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात के दिल पे जो गुजर रही है उसे भी तो समझने की कोशिश करो। तुमसे बहुत पहले उस पर मेरा हक है, जिसने उसे पाला बड़ा किया। तुम्हारा अंधा प्यार क्या वो सब नहीं देखता? शायद मेरा प्यार अंधा है, मैं अंधी हूँ। जब भी मुझे उनके सिवा दुनिया में कुछ देखा भी तो नहीं देता। जिसे तुम प्यार कह रही हो बेटी वो प्यार नहीं, खुदगर्जी है। सच्चा प्यार तो वो होता है जिसमें इंसान अपना सोचने से पहले अपने प्यारे का सोचे। तुमसे शादी करके वो कहीं का न रह जाए, अपने बराबर के लोगों में जगह न पा सके, कहीं सर ऊंचा करके बात भी न कर सके, तो क्या तुम इसे प्यार कहोगी? तो क्या ये सच है, मुझसे शादी करने के बाद वो कहीं के न रह जाएंगे? हाँ। तो फिर मैं उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनू। मेरा प्यार अमर है, मेरा सुहाग अमर है, क्या ऐसे दुनिया में शादी की जरूरत है? मेरे पति मेरे पास है, आप अपना बेटा ले जाइए। तुम कितनी बड़ी देवी हो,
ये क्या? तुम्हारी कुर्बानी की एक मामूली सी भेंट, हजार हजार के 10 नोट। एक सांस में देवी कहना और दूसरे में गाली, ये सिर्फ करोड़पति ही कर सकते हैं। अगर आप उनके पिता ना होते तो जाने में क्या कर बैठती। चले जाइए, चले जाइए यार। ये कौन है, यहाँ क्या करने आया था? अंदर जाके देखो, मालूम पड़ जाएगा। दीदी, दीदी क्या बात है? दीदी बताओ, दीदी अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं उसे एक बार उसका नाम ले दो। दीदी भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे छोड़ दीदी, तुम्हें मेरी सौगंध, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम अपने भाई को भी ना बताओगे? दीदी 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 उस्ताद, आखिर बात क्या है तुम तो बताओ। बेवकूफ कहेगा, आखिर बच्चा है ना। कितनी बार मैंने तुझे मना किया मगर तूने मेरी एक बात ना मानी। आखिर वही अंजाम हुआ ना। क्या अंजाम हुआ? जो तारा का हुआ था। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं। तुम्हारे पीछे वो श्यामा से खुले बंदों मिलता रहा, वो ऐश करता रहा, तुम गफलत की नींद सोते रहे। आखिर वो सपना के बोझ लाकर चल। नहीं नहीं नहीं, ये रोना धोना कैसा? वो तो शादी। बकवास है। अगर शादी करना चाहता तो एक बुजदिल कमीने की तरह अपने बाप के हाथ रिश्वत न भेजता, अपने करतूत नोटों के ढेर तरह छुपाने की कोशिश न करता। सुदेश, सुदेश, मैं उसे खत्म कर दूंगा। सुदेश, 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 वो एक तरफ ही आ रहा है, उसके आने से पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? सुदेश तू चिल्ला रहा था। जब किसी की इज्जत पर हमला होगा तो चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा, चुप रहेगा? आखिर बात क्या है? बड़े शर्म की बात है, एक आवारा मिजाज बाहर से आया और मासूम श्यामा की इज्जत से खेलकर चलता बना, और तुम लोगों को कानो कान खबर ना हुई। रणबीर, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूं, लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं है। चाचा मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बेटी पर जो बीती है तुम भूल गए उसे। कौन है बदमाश? वो आ रहा। क्या बात है? अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। क्या क्या किया है मैंने? भोली भाली श्यामा की इज्जत लूटने में तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या बकते हो? बल्कि मैंने उसकी इज्जत एक बदमाश से बचाई है, और वो बदमाश कौन है तुम सब लोग जानते हो। वो बदमाश मैं हूं, तुम यही कहना चाहते हो ना? मैं अंदर से भी बुरा हूं, बाहर से भी बुरा, मगर तुम जाहिर तो शरीफ, अंदर बदमाश हो तुम। मैं तुम्हारी असलियत इन लोगों का देता हूं। क्या तुम 1 करोड़पति के बेटे नहीं हो? क्या तुम्हारा नाम श्याम की बजाय मनमोहन नहीं है? गरीब बनकर चाल में रहना, आइसक्रीम बेचना, क्या ये सब ढोंग नहीं था? नहीं तो ये नाटक किस लिए? बताओ चुप क्यों? मैं हाँ हाँ जवाब दो, चुप क्यों? मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तो जाहिर है, क्या तुम श्यामा को अपने जान में फंसने के लिए आए थे? हरगिज नहीं, और इसका सबूत यह है कि मैं उससे शादी कर रहा। शादी का वक्त गुजर चुका, अभी अभी तुम्हारा करोड़पति बाप श्यामा के पास आया था, और उसने उसे यह साफ साफ बता दिया कि तुम उससे शादी करना नहीं चाहते। मामला रफा दफा करने के लिए तुम्हारे बाप ने श्यामा को रिश्वत पेश की, 1 करोड़पति ने गरीब की इज्जत की कीमत 10,000 रुपए मुकर्रर की, और रुपए उसके सामने इस तरह फेंक कर चला गया जैसे भिखारी के सामने टुकड़ा फेंका जाता। बोलो, तुम्हें गरीब की इज्जत की यह कीमत मंजूर है? तो फिर सोचते क्या हो? बता दो इस करोड़पति बाप के बेटे को कि गरीब की इज्जत क्या होती। Thank you.
ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां है, दिल कहां तेरी मंजिल। ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां है, दिल कहां तेरी मंजिल। इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं, ओ इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। पूछा शीशे से पूछा, खामोश है सबकी जबान है, दिल कहां तेरी मंजिल। अल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए, ओ ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। आंचल भी छोटा साथी भी छोटा, ना हम सफल ना कारवां है, दिल कहां तेरी मंजिल। ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां है, दिल कहां तेरी मंजिल। ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां है, दिल कहां तेरी मंजिल। श्यामा बेटी, तुम आने की खबर ही नहीं थी। बस ऐसे ही मिलने को जी चाहा और मैं चली आई। आओ बेटी आओ। अच्छा की आओ। मुन्नी नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आया। तुम तो यहाँ आकर हम लोगों को भूल ही गए। तुम्हें कैसे भूलूं? मैं आते ही मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्यों? तुम भी खुश हो? यही तो सुनहरी दुनिया है जिसकी तुमने कहानी सुनाई थी। अच्छा? तुम यहाँ आकर खुश होना मन नहीं? बहुत खुशी, तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच निकली। लेकिन एक गड़बड़ है, हम सब तो यहाँ आ गए लेकिन श्यामा दीदी क्यों नहीं आई?
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे कि अमीर रहते हुए एक गरीब लड़की की उमंगों से नहीं खेल सकते थे, इसलिए तुम गरीब बने रहे और मुझे कुछ नहीं। श्यामा, मोहब्बत मेरी गवाह है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जब मैं तुमसे मिला और हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी तो मुझे यह डर था कि एक न एक दिन मेरी दौलत तुम्हारे और मेरे दरमियान जरूर आ जाएगी। इसीलिए जब एक बार तुमने पूछा कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता था, लेकिन तुमने और किस्मत ने मुझे खामोश कर दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरी मोहब्बत में, यकीन रखो। दौलत तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमारे दरमियान नहीं आ सकती है। मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूं, इत्तला दो कहां और कब। अपनी गलती को दोहराने की बेवकूफी न करो मनमोहन। जिस मोहब्बत की लाश को मैं दफन कर चुका हूं उसे कुरेद कर जिंदा करने की कोशिश न करो। मोहब्बत कभी नहीं मरती पिताजी। मोहब्बत मर चुकी, मैंने उस लड़की को बना लिया है, वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो हमारे खानदान के काबिल नहीं थी। मैं उसे कॉल दे चुका हूं पिताजी, और उसे निभाने के लिए मैं किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हूं। यह कुर्बानी नहीं, पागलपन है। तुम नहीं जानते तुम्हारे रवैये से मुझे कितनी तकलीफ हुई है। तुम एक बड़े बाप के बेटे, शान और शौकत की जिंदगी छोड़कर तुमने हल्के लोगों में रहना शुरू कर दिया। उस सड़ी हुई चाल को खरीद कर इतने रुपए को नाली में बहा दिया। आपने जो कुछ कमाया है उसमें मेरी मेहनत भी शामिल है, वो मेरे हिस्से का रुपया था। हाँ, और उसे जाया करके तुम समझते हो तुमने गरीबों का भला कर दिया? दुनिया में कितने गरीब है, किस किस का भला करोगे? अगर मैं एक गरीब के आंसू भी पहुंच सका तो समझूंगा मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। तुम कुदरत के कानून में दखल दे रहे हो। कौन किसी की किस्मत बदल सकता है? किस्मत का नारा अमीरों ने बनाया है ताकि गरीब अपनी हालत पर खामोश रहे। ये फलसफा अपने ही पास रखो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अपनी दौलत जाया नहीं करूंगा। कैसी दौलत, कौन सी दौलत? यहां बैंक में आपके पास लाखों नहीं करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन ऊपर जहां इंसान के कर्मों का हिसाब रखा जाता है उस बैंक में आपके नाम पर एक पैसा भी नहीं होगा। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपने सर पर कर्ज लेके आता है, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने पड़ोसियों का, वतन का, दुनिया का, इंसानियत का। और जो वो कर्ज अदा नहीं करता है वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। दौलत खाद की तरह है पिताजी, एक जगह जमा रहे तो गंदगी है, बिखेर दी जाए तो उसमें फूल खिलते हैं। न जाने बेकार ख्याल तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिए। पिताजी, आप जिस मनमोहन को छोड़ गए थे ये वो मनमोहन नहीं है। आप मुझे एक सुनहरी पिंजरे में बंद कर गए थे और मैंने उसके बाहर निकल के देखा कि दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कुछ पिंजरे के अंदर थी। मैंने इंसान का दर्द देखा, गरीबों की इज्जत दिखती देखी, और मेरे दिल में सवाल उठा मुझे क्या हक है इन महलों में रहने का जिनकी बुनियादें शायद गरीबों के खून और हड्डियों पर रखी गई हो। क्या बक रहे हो, बंद करो ये बकवास। हो सकता है रुपया कमाने के लिए आपने वो सब कुछ किया जो रुपया जमा करने के लिए करना पड़ता है। मनमोहन, हो सकता है आपने मजदूरों को उनका जायज हक न दिया, हो सकता है आपने अपनी ही हुकूमत को उसका टैक्स अदा न किया। अगर मैंने ये सब कुछ किया तो किसके लिए किया? तुम्हारे लिए, अपने बेटे के लिए। लेकिन मैं अकेला ही तो आपका बेटा नहीं पिताजी, और भी तो है। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों मनमोहन हैं जिन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, जो तीसरे पहन के फुटपाथों पर सोते हैं, जो दिन भी क्या थे जब आप एक मामूली से क्लर्क थे
मैं छोटा सा था, रात को माँ खाना परोसती थी और हम सब मिलके खाया करते थे, और फिर आप बांसुरी बजाते थे। कितना सुकून था उस आवाज में, कितनी शांति थी। लेकिन अब कहां गई वो बांसुरी की तान, हमेशा के लिए रुपयों के झनकार में दबके रह गई। आपके दिलो दिमाग में दौलत जमा करने की हवस पैदा हो गई, और दौलत आपको मिली, लेकिन किन दामों? आप अपनी इंसानियत खो बैठे, अपनी सेहत खो बैठे। आपकी भूख जाती रही, दिल की बीमारी ने आपको घेर लिया, और आखिर में क्या हुआ? जिस बेटे के लिए आपने ये सारी दौलत जमा की, उसी दौलत की वजह से वो बेटा आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया। कौन था ये? कहां गई थी इसके साथ खटारे में? मैं अपने दोस्त मिस्टर कूपर के साथ घूमने गई थी। क्यों, हम मर गए थे क्या? हम तुझे नहीं घुमा सकते, हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी? और तुम्हारे पास? क्यों नहीं, कूपर के पास एक गाड़ी है, हमारे पास कई गाड़ियां हैं, और उससे ऊंची तगड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं। क्या मतलब? BEST की फर्स्ट क्लास बसें। डार्लिंग डार्लिंग, चलो जुहू चले, आज चांदनी रात है, मोहब्बत की बातें करें, शादी का प्रोग्राम बनाएं। शादी? और तुमसे? अपनी सूरत देखो, पोजीशन देखो, मैं तो अब मिस्टर कूपर की होने वाली हूँ। क्या कहा, मिस्टर कूपर? हाँ हाँ हाँ। अच्छी बात है, आज से तुम अपना रास्ता पकड़ो और मैं अपना रास्ता पकड़। फिर मेरा पीछा कर रहे हो? कान खोल कर सुन लो, आज से तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और। सनम तू चल दिया रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना। सनम तू चल दिया रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना। सनम तू चल दिया रास्ता। जड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे, एलोरा ए जनता कुतुब मीनार, खड़े हैं क्या तेरे दम से। जाएगा उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे, एलोरा ए जनता कुतुब मीनार, खड़े हैं क्या तेरे दम से। रहेगी वो दिल्ली, रहेगा ये बॉम्बे और कलकत्ता, अजी सुना। सनम तू चल दिया रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना। सनम तू चल दिया रास्ता। सकेगा दिल जो मेरा सनम तुम्हारी बातों को, कभी कभी दीवानों की तरह फिरूंगा उठ के रातों को। भूल न सकेगा दिल जो मेरा सनम तुम्हारी बातों को, कभी कभी दीवानों की तरह
फिरूंगा उठ के रातों को, जिया चाहे तर से पर बिस्तर से उठूंगा मैं हंसता। सुना सनम तू चल दिया रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना क्या सनम तू चल दिया रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना सनम तू चल दिया रास्ता, मेरे बिना तो क्या मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना। दोनों जहान उनकी मोहब्बत में हार के, ये जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। आप शायर हैं? जी नहीं, मरहूम वालदे बुजुर्गवार शायर थे, बंदा तो नाचीज खान सामा है, मगर इस वक्त नामा बर हूं, किसी का पैगाम लेके आया हूं। श्यामा देवी कहां रहती है? क्यों साहब, आपको क्या काम है? ये उनकी चिट्ठी है। हेलो बॉस, बॉस ये चिकना माल किधर से मारा? अरे वो शाम का बेवकूफ बाप है ना, वो फेंक के चला गया था। वो दोनों बहन भाई रोने धोने में लगे रहे और बंदा समेटने में। वेरी गुड वेरी गुड। ये कितना है बॉस, कितना है? अरे 10,000। बहुत बहुत ठहरो बॉस, बॉस हमको एक बात याद आ गया। हम बहुत दिन पहले दिवाली में 100 रुपए का नोट हम हाथ में रखा था, अरे हम बहुत खुश हो गया उस टाइम पे। ये 1,000 रुपए का नोट हम हाथ में रखेगा बॉस, हम बहुत खुश हो गया। बॉस बॉस नहीं, तुम हमारा बॉस नहीं, बॉस प्लीज प्लीज बॉस। देखो हमारे मुंह में पानी भी आया, 1,000 रुपए का नोट, हमें रिच मैन बॉस, हम बहुत खुश हो गया। ये बॉस ये हमको खुशी खुशी में एक अंग्रेजी गाना भी याद आ गया, हम तुमको गा के सुनाएगा। देर वॉज अ नॉटी बॉय वॉज ही रैन ही रैन। ओ रैन अवे के बच्चे, इधर ला नोट, तुझे तो काम पे भेजा था मैंने। हाँ अरे बॉस ये तो बोलने को भूल गया, हम तो काम पे जा रहा था लेकिन रस्ते में एक सोशल सर्विस करने का मौका मिल गया। हम तो तुम जानता है बॉस सोशल सर्विस के लिए जान दे देगा। एक आदमी उसके हाथ में चिट्ठी था, वो किसी को ढूंढता था, हम बोला लाओ हम तुम्हारा चिट्ठी पहुंचा देगा। कैसी चिट्ठी? कन्हैया की राधा के नाम। कन्हैया राधा? अरे बॉस तुम कितना डल हो गया, तुम ये भी नहीं समझता है। अरे लैला मजनू रोमियो जूलियट श्याम श्यामा, यानी श्याम ने श्यामा को चिट्ठी लिखी, तो हमने सोचा चलो सुदेश को दे देगा, वो उधर पहुंचा देगा। अच्छा हम जाता है उसको देंगे। हाँ बस ठहरो ठहरो, मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा चिट्ठी। सुदेश मैं पहुंचा दूंगा, तुम जाओ अपने काम से। जाओ की औलाद मुझ पे जासूसी कर रहा था। नहीं बॉस नहीं, नहीं का बच्चा, तू क्या समझता है कि तूने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है, कि तू सबको देख सकता तुझे कोई नहीं देख सकता? मैं अंदर से तेरी तमाम हरकतें देख रहा था। खबरदार, अगर इस चिट्ठी के बारे में तूने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो याद रखना तेरा और तेरी डार्लिंग का दुनिया में नामो निशान नहीं रहेगा, समझा? नहीं बॉस। पकड़ ये चिट्ठी, सुदेश को देकर आ। हाँ अभी दिया बॉस। इधर ऊपर जाओ। सुदेश क्या सुदेश,
ओ क्या है? तेरे लिए चिट्ठी लाया हूँ। चिट्ठी? हाँ। तुझे तो मैंने काम पे भेजा था ना। मैं जाता हूँ बॉस। शाम की श्यामा के नाम? मेरी प्यारी श्यामा, मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है, पर तुम जानती हो कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पे इंसान का कोई बस नहीं। मुझे तुमसे सिर्फ ये कहना है कि घबराना नहीं और न बच्चे को जाया करना। बस करो रंबी, बस करो। सुन लो, हालात मुझे अपने ही बच्चे का बाप कहलवाने की इजाजत नहीं देते, लेकिन श्यामा मैं सब करने को तैयार हूँ जो एक बाप का फर्ज होता है। मुझे किसी तरह जगह मिलो, मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा। तुम्हारा श्याम। सली, कमीना, मैं उसी वक्त उसकी बोटी बोटी कर देता अगर तुमने मेरा हाथ रोक दिया। तुम बच्चे हो, अगर मैं ऐसा ना करता तो अब तुम फांसी के तख्ते पे चढ़े हुए होते। एक तरकीब करते, तुम श्यामा की तरफ से शाम को खत लिखो और कहीं अकेली जगह पे बुलवा लो, बाकी हम समझ लेंगे। समझा? समझा। वो है मुलाकात की जगह, मैं यही इंतजार करता हूं। मगर उस्ताद, चला गोली, चलाता क्यों नहीं? नहीं उस्ताद, मुझसे नहीं होगा। मुझे मालूम न था कि तू इतना बुजदिल है, तेरी गैरत मर चुकी है। भूल गया तू इस आदमी ने तेरी बहन की इज्जत लूटी? भगवान की कसम, अगर इसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया होता तो ये पिस्तौल ले जाकर इसके सीने पर रख के दाग देता। तुम कहीं गए, चला कहता, चला चला तक नहीं। कौन? सेठ राम नारायण जी, मैं मनमोहन का दोस्त दीपक हूँ। मनमोहन के साथ एक खौफनाक हादसा हो गया, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए। अब कहाँ? डॉक्टर को बुलाया है ना? मैंने आपके फैमिली डॉक्टर मेहता और डॉक्टर देसाई को बुला लिया है। मैं भी आता हूँ। कैसी है हालत बनवा जी? अभी समझे नहीं, डॉक्टर ने आपको अंदर आने से मना किया। क्यों? आप दिल के बीमार हैं, बेटे को इस हालत में देखकर आपके दिल को गहरा सदमा पहुंचेगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन आपका अंदर जाना मनमोहन के लिए भी अच्छा नहीं। आपके और उसके दरमियान एक दीवार सी आ गई, होश में आते ही आपको देखेगा तो न जाने। कुछ नहीं चाहिए।
योगेश, रणबीर जो कह रहा है क्या वो सच है? बोल, तू बोलता क्यों नहीं? बोल। मत पूछो दीदी, मैं नहीं जानता क्या हुआ। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया। किस अभागे का खून कर दिया तूने? बोल। रणबीर ने नहीं बताया तुम्हें? शाम, तूने शाम का खून कर दिया है। अच्छा हुआ तुम होश में आ गई। चलो उठो, चलो यहां से चले। उठो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो श्यामा, यहां हम सबकी जान खतरे में है, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझना नहीं चाहती श्यामा। मत लगाओ मुझे खून से रंगे हुए हाथ। मेरे हाथ खून से रंगे हुए? हाँ, तुम्हारे, तुम्हारे। श्याम का कातिल मेरा भाई नहीं, तुम हो। यहां आने से पहले उसके मुंह में जुबान भी न थी, ये सब तुमने सिखा दिया है। तुम्हें मिलने से पहले उसने कभी किसी पे उंगली भी न उठाई थी, और आज मेरा ये मत भूल कि तेरा भाई कातिल है। श्याम का खून उसने मेरी आंखों के सामने किया है, और मैं उसका गवाह हूं। जानती है तेरे भाई को फांसी हो जाएगी। इस वक्त सुदेश की जान मेरी मुट्ठी में है। तू नहीं मानेगी तो मैं पुलिस को खबर कर दूं। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? हां करती हूं तो मैं खुद नहीं रहती, ना करती हूं तो भैया। ओ बंद करो ये रोना धोना। बोल क्या फैसला किया है, मेरे साथ चलती है या नहीं? अच्छा, कौन है आप, किससे मिलना है? छोटे साहब हैं, मुझे उनसे मिलना है। आप बाहर जाइए। क्यों? साहब से मिलने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। बाहर जाकर घंटी बजाइए, फिर साहब का सेक्रेटरी यानी मैं आपको बुलाऊंगा और मिलने का टाइम बताऊंगा। उसके बाद जो अरे जा, मैं तेरे साहब से मिलने थोड़ी आई हूं, मैं अपने किराएदार से मिलने आई हूं। चल हट। अरे अरे बस सुनिए तो, अरे ठहरिए। श्याम, श्याम, लाख लाख शुक्र है परमात्मा का। तुम यहां कैसे आई मौसी? मैं ये कहने के लिए आई थी कि श्यामा ने अपने भाई को बचाने के लिए रणबीर के साथ जाने का फैसला कर लिया है। ना कोई तारा है, दिल है जमीन दूर आसमान। दिल तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है, ना कोई तारा है, दिल है जमीन दूर आसमान। Bye.
सिंह बॉस, राइफल लाओ मेरी। भजन सिंह नीचे आओ। पैसेंजर को नीचे भेज। बेड़ा गर्क तुम्हारा ना मुराद। आज तुम ना आते तो न जाने क्या हो जाता, मेरा क्या होता, सुदेश का क्या होता। सुदेश का रणबीर के अड्डे पे। तो फिक्र मत करो, हम सुदेश को अपने साथ लेकर जाएंगे। रणबीर आ गया, उसके साथ बहुत से गुंडे, वो रास्ता घेरे खड़ा है। अब क्या होगा? देखा तुम लोगों ने, इतनी मार खाने के बाद भी शाम ने श्यामा का पीछा नहीं छोड़ा। आज वो बेगैरत फिर यहां आया। जब तक मैं उसे ठिकाने न लगा दूं और मोहल्ले वालों की इज्जत का बदला न ले लूं, मुझ पर पानी पीना हराम। छूटने की बातों में ना आना। बेगैरत शाम नहीं, बेगैरत ये है जो शाम का खून करके श्यामा को भगा ले जाना चाहता है। और खून भी किसका? उस नेकी के फरिश्ते का, जिसने हमारी इतनी मदद की, इस चांद को खरीद कर किराया तंग कर दिए। क्या तुम उस बेगुनाह को शहीद होते देखोगे? नहीं, बेजानो। और किसी ने अगर हरकत की या पुलिस को बुलाने की कोशिश की, याद रखना मेरी बंदूक होगी और तुम्हारी जीव है। अब्दुल तुम उधर जाओ, जॉन तुम उधर जाओ, सोन सिंह तुम उधर जाओ, तुम भी इधर जाओ। और ये ख्याल रहे कि ना कोई आने पाए ना कोई जाने पाए। वाह, क्या इंतजाम किया है। और क्यों ना हो, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तुम डर गए शायद, रो क्या रहे हो? मालूम होता है किस्मत अपनी करके ही रहेगी, मुझे सांप को गले लगाना ही होगा। लेकिन मेरी वजह से तुम मौत के मुंह में क्यों जाओ? इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार है, और ये चांद सितारे जिन्हें मैं फिर कभी नहीं देख सकूंगा, इस बात की गवाह है कि मरने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुमने प्यार किया भी तो किस सभागर के साथ? ऐसा मत कहो शर्मा। मैं हूँ बॉस, मैं हूँ। तू क्या कर रहा है यहाँ? कुछ नहीं, कोई काम बॉस, काम। तू ऐसा कर, चाबियां लेके अड्डे पे जा। अच्छा। तिजोरी में से सारा सामान निकाल ले और सुदेश को साथ लेके आ। वेरी गुड।
क्यों बॉस, मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मेरी बाई आंख फड़क रही है, जब बाई आंख फड़कती है तो अच्छा ये ले, जल्दी आ। श्याम, 5 मिनट देता हूं तुझे, नीचे आ जा, नहीं तो मैं ऊपर आ रहा हूं। जिद न करो श्याम, मुझे नीचे जाने दो, वरना वो बदमाश यहां आ जाएगा, मैं घिर के बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता हूं। अगर मरना ही है तो एक मर्द की तरह उससे लड़के मरना। नहीं श्याम, तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जब तक जिंदगी है जुदाई का डर लगा ही रहेगा, मौत ही हमें हमेशा के लिए मिलाएगी। हो सकता है जिसे हम मौत समझते हैं वो एक नई जिंदगी हो। कितनी अच्छी मालूम होती है ये शहनाई की आवाज, दूर कहीं किसी की शादी हो रही है। मेरी एक बात मानोगे शाम, क्या ये नहीं हो सकता कि मौत की गोद में जाने से पहले मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं? वो चिट्ठी जो शाम ने तुम्हारी बहन को लिखा था और अपना कमबख्त बॉस ने बदल डाली। तो ये बात है, क्या खूब शादी, शादी के मंडप पर मौत में एक ही कदम का फासला है, लेकिन ऐसी हसीन मौत भी किसे नसीब होती होगी। आज के बाद हम तो न रहेंगे श्यामा, लेकिन हमारा खून जरूर रंग लाएगा और ये बस्ती हमेशा के लिए सारी मुझसे छुटकारा पा जाएगी। हमारी मौत औरों के लिए जिंदगी बन जाएगी। मुझे अफसोस है तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। मर्द होते तो डरपोक की तरह छुपे ना रहे, मौत को सामने खड़ा देख के डर गए क्या? आशिक जब महबूब की गली में आता है तो सर हथेली पर रख के आता है। बताओ मुझे कहां खड़ा होना चाहिए जहां तुम्हारा निशाना ठीक से बैठे, यहां या जरा नीचे? आ गई तुम्हारी मर्दाना हिम्मत। मुझे तुम पर तरस आता है, आखिरी मौका देता हूं मैं तुम्हें, अगर जान अजीज है तो श्यामा मेरे हवाले कर। श्यामा को अगर हासिल करना है तो पहले मेरे खून से हाथ करने हो। मैं एक निहत्ते पर हाथ नहीं उठाता। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मेरा खून करने से डरते हो? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम एक बुजदिल हो, एक ऐसे बुजदिल जो सिर्फ बेबस और गरीब लोगों को धमकी देना जानता है? खामोश, मैं खामोश नहीं रहूंगा। तुम एक दगाबाज, जलील और कमीने बुजदिल के सिवा और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी जबान बंद करनी पड़ेगी। बीज खूनी जालिम कमीने, चला वाली गोली, मुझे मार डालो, मार डालो मुझे। अपनी जिंदगी को कौन खत्म कर सकता, तुम्हें तो मेरे साथ चलना। खबर को हाथ मत लगाना वरना। नमक हराम, वतन बदोश नहीं थे तुम लोग, खड़े मुंह क्या रखे तुम लोग, मेरे क्या चूड़े पर रखी है, चखा दो बताई मत। चलो उठ, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। एक लाश के साथ प्यार करने का क्या फायदा शहर? क्या क्या मुझे छोड़ दे। मैं
मैंने कहा था तुम बुजदिल हो, और बुजदिल की गोली सीने पर नहीं बल्कि हवा से टकरा के दम तोड़ दिया करती है। तुम्हारा दम भी अब टूटने को है, खात्मा है तू। सुदेश पकड़ लो बदमाश। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, अगर किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो श्यामा का ढेर कर दूंगा, ये अगर मेरी न बन सकी तो किसी की न बन सके। सोम सिंह आज स्टार्ट कर। गोली तुम्हें खत्म किए बगैर मुझ तक नहीं पहुंच सकती, लानत है तेरी कच्ची हो गई है। चल अगला बता रहे पुलिस आ रही, और पुलिस से अब तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, वो है ये बंदूक जो मेरे पास। मेरी बंदूक दे दो। पहले श्यामा को छोड़ दो। श्यामा को नहीं छोड़ूंगा, बंदूक दे दो। मैं कहता हूं श्यामा को छोड़ दो। मैं श्यामा को नहीं छोड़ूंगा, मेरी बंदूक दे दो। पहले श्यामा को छोड़ दो। अगर तुम बंदूक नहीं दोगे श्याम, तो मैं श्यामा को खत्म कर दूंगा। श्याम इसे बंदूक मत देना, मुझे मरना मंजूर है। तुम चुप रहो, बोलो देते हो कि नहीं, बोलो। लो अगर किसी ने मेरा रास्ता रोका तो मैं इसके गोली मार दूंगा, और अगर ये मर गई तो सारे मोहल्ले को आग लगा दूंगा। तुम आगे मत बढ़ो, बोलता हूं मैं। श्यामा मेरे पास चले, मेरे पास चले आओ, चले आओ श्यामा, चले आओ श्यामा, घबराओ नहीं, चले आओ मेरे पास। मत जाना श्यामा। मेरे पास चले आओ, चले आओ श्यामा, चले आओ श्यामा, चले आओ, चले आओ, चले आओ। गोलियां ये रही, मांग में सिंदूर कैसा? शादी का ऐलान तो मुझे करना था, बाप से यहां की छीन गया। जीते रहो बेटी, जीते रहो। आओ दोस्तों, आज हम सब मिलकर शादी का जश्न मनाए। ये सिर्फ मनमोहन और श्यामा की शादी नहीं, अमीरी और गरीबी का मिलाप है। दीदी भैया, भैया श्यामा